हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लर्निंग बायो। स्वागत है आपका लर्निंग बायो में। एंड आज हम एक और न्यू टॉपिक लेके आए हैं, एंड वो न्यू टॉपिक है एसके हेलमतीज़ के ऊपर। जी हाँ, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसके हेलमतीज़ के ऊपर, क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इन सब बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को डिले ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बारे में। एंड एसके हेलमतीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसके हेलमतीज़ हैं वो ट्रू सिलोम नहीं है, मीन्स उसमें ट्रू सिलोम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है मीजोडर्म एपिथेलियम से लाइंड नहीं होते हैं। जो सिलोम मीजोडर्म एपिथेलियम से लाइन होते हैं उन्हें ही हम ट्रू सिलोम बोलते हैं, बट ये ट्रू सिलोम नहीं है, क्योंकि ये जो मीजोडर्म एपिथेलियम है उनसे लगे हुए नहीं होते हैं। इसलिए इन ग्रुप के एनिमल्स को स्यूडो सिलोमेट भी कहते हैं, क्योंकि स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड सिलोमेट सिलोम से डेरिवेटेड है। तो इसमें ट्रू सिलोम नहीं पाया जाता है, मीन इसमें फॉल्स सिलोम पाया जाता है, इसलिए इनको स्यूडो सिलोमेट में रखा गया है। एंड इस ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनको स्यूडो सिलोमेट के नाम से जाना जाता है। इन्हें एक अलग से सुपर फाइलम में रखा गया है, जिसको एसके हेलमतीज़ बोलते हैं, यानी कि जो स्यूडो सिलोमेट एनिमल्स हैं उन्हें एक अलग से फाइलम में रखा गया है, जिसको एसके हेलमतीज़ बोलते हैं। सो जो एसके हेलमतीज़ है उसका जो वर्ड है उसके कुछ स्पेशल डेफिनेशन है, यानी कि उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है जिससे उनके जो नाम है वो बने हुए हैं। तो एस्को को मतलब होता है कैविटी, एंड हेलमतीज का मतलब तो आप सभी जानते हैं वॉर्म से डेरिवेटेड है। एंड अब हम चलते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। एंड वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाला है, शॉर्ट वीडियो होने वाला है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो चलिए चलते हैं एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो जो हमारे एसके हेलमतीज़ होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, एंड पैरासिटिक भी होते हैं। मीन्स ये एक्वाटिक में भी देखने को मिल सकते हैं, ये फ्री फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं, एंड ये पैरासिटिक फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होते हैं, मीन्स ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। स्मॉल भी हो सकते हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं, या 1 मीटर तक भी ये हो सकते हैं, यानी इतनी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी साइज की को लेकर। अगर शेप की बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो सिलेंडर हो सकते हैं, वर्मी फॉर्म हो सकते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, अनसेगमेंट का मतलब इनमें कोई ट्रू सेगमेंट नहीं पाया जाता है, फ्लैट भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, एंड बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंड अगर सिस्टम की बात करें तो इनमें ऑर्गन ग्रेड सिस्टम देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक आई हो आप लोग सबको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने बहुत ही बार ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बायलेटरल सिमेट्री के बारे में बताया है। एंड अगर अभी भी आपको डाउट क्लियर नहीं है तो आप जाके मेरे अदर लेक्चर को चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने सिमेट्री के बारे में बताया है, ठीक है। ऑर्गन ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है कि इनमें कुछ ऑर्गन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बॉडी वाल की बात करें तो इनके जो बॉडी वाल होते हैं वो थिक क्यूटिकल से कवर होते हैं, जिसको स्क्लेरोप्रोटीन बोलते हैं। वैसे तो इसमें सीलिया एब्सेंट होता है, बट आपका जो एक इसमें फाइलम देखने को मिलता है, यानी कि इनको अगेन डिवाइड किया गया है, तो उसमें एक कैटेगरी है रोटीफेरा। तो रोटीफेरा में आपका एंटीरियर साइड पे सीलिया देखने को मिलता है, यानी कि रोटीफेरा में माउथ पे आगे के साइड में सीलिया देखने को मिलता है। वैसे तो उसमें सीलिया नहीं पाया जाता है एसके हेलमतीज़ में, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि इसमें देखने को मिलता है रोटीफेरा में। डाइजेस्टिव कैनाल की बात करें तो ये कंप्लीट होते हैं, माउथ होते हैं एंटीरियर साइड में, एंड पोस्टीरिया में एनएस देखने को मिलता है, इसीलिए कुछ थोड़े मतलब ये ऑर्गन ग्रेड सिस्टम शो करते हैं, क्योंकि देखिए हमें एक ऑर्गन देखने को मिल गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम मिल गया है, आगे के साइड में माउथ है, पीछे के साइड में एनएस है। बट देखिए इनमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम एक्सक्रेशन की बात करें, जो कि एक्सक्रेटिक सिस्टम की बात करें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन एफ्रेडिया, क्योंकि अगर हम किसी फाइलम की बात कर रहे हैं एंड उसके अगर एक्सक्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस फाइलम में जो इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, किस तरह से एक्सक्रेशन कर रहे हैं, किस ऑर्गन से कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन एफ्रेडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड कैनाल के थ्रू भी कर सकते हैं। डायसिस है, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग हैं, मेल जो होता है वो थोड़ा सा स्मॉल साइज का होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। एग की बात करें तो काइटेनियस है, शेल है, यानी कि एग के ऊपर कैल्शियम की एक शेल होती है। ओके,
एंड क्लीवेज की अगर बात करें तो उनमें जो क्लीवेज है वो डिटरमाइन होता है एंड स्पाइरल क्लीवेज देखने को मिलता है। आई नो हो सकता है आप में से बहुत लोग को क्लीवेज के बारे में नहीं पता है, तो मैं एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं क्लीवेज के बारे में बताऊंगी। डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि एक एक से डायरेक्ट हमें एक यंग स्टेज देखने को मिलती है, एडल्ट स्टेज देखने को मिलती है, लेकिन कोई लार्वा स्टेज देखने को नहीं मिलता है। ओके तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ हो, एंड इसी टॉपिक के साथ का वीडियो एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय दिस वीडियो।